टिप पे एंड पे इसलिए डालना है क्योंकि अगर मुझे लगता है मैंने यही विरासत में छोड़ के जानी है। अभी मैंने ऐसे लगा दी है, ऑर्डर किया था ये वाला फोन, जाके कजन्स ने आना है एंड उसको नहीं पता कि उन्होंने आना है, नहीं पता कि इसका केक लिया हुआ है, इसको नहीं पता कि इसके प्रेजेंट। Just tell me happy. मैं पूरा खोला भी नहीं है बेटे। आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि एक माँ क्या क्या करती है अपने बच्चों के स्पेशल डे को मज़ीद स्पेशल बनाने के लिए। आप देखेंगे कि सुबह से लेके रात में सोने तक मेरा दिन किस तरह से कितना बिजी गुजरता है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी ज़रूर रिलेट करेंगे कि आप भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। अनदर डे स्टार्टेड एंड इट्स अ वेरी 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 स्पेशल डे क्योंकि आज है मेरे मंजले बेटे की सालगिरह। मंजले पूछे तो मिडल वन की है आज सालगिरह। और मिडल वन जो होते हैं ना, उन्हें हमेशा इतराज़ होता है कि उन्हें माँ बाप पूछते नहीं हैं, ज़्यादा प्यार जो उनसे होता है बड़े से होता है, ज़्यादा लाड जो होते हैं वो छोटे के होते हैं, मिडल वाले बेचारे बीच में ही लटके रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आज इस मिडल वन को ना मैंने बहुत 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 खुश करना है और बहुत सरप्राइज़ देने हैं, सारे गिले दूर कर देने हैं। तो बस जी हमारे दिन का स्टार्ट हुआ, उठते ही हम नहाए धोए रेडी हो गए, हमने कहा जी सुबह सुबह ही रेडी हो जाते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मेरा बिज़ी दिन गुजरना था। उठे, हमज़ा को विश किया, इस टाइम पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लंच। ऐसी कोई बात नहीं है कि आज इसकी बर्थडे है तो स्कूल नहीं जाएगा, आज भी स्कूल जाना है। ये मेरे बड़े बेटे का लंच बन रहा था, जो मिडल वन था उसको ज़रा टोस्टेड चीज़ें पसंद हैं तो उसके लिए टोस्टेड लंच बना था। और ये देखें मैंने चॉकलेट्स खरीदी हुई थी। एक तो यहाँ पे जिस बच्चे की भी सालगिरह होती है ना वो स्कूल चॉकलेट्स वगैरह लेके जाते हैं और फिर पूरी क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बस ये मैं इसके लिए रेडी कर रही थी एंड आई रियलाइज के ये देखें खोल के ना मेरे बड़े वाले ने अपने लंच बॉक्स में एक डाल ली हुई है। तो यहाँ पर बस ये मिडल वाले का पीछे बन रहा था टोस्ट जो कि मैंने ऊपर रखा हुआ था। उतनी देर में मैंने सोचा चलो जी आज साथ साथ सफाइयाँ भी करनी शुरू कर देनी है। इनके कमरे को मैंने पूरे को टाइडी कर दिया कि एक कमरा तो बिल्कुल डन हो। उतनी देर में जो टोस्ट था वो भी रेडी हो गया, इसको बस मैं काट रही हूँ ताकि इसका भी लंच बॉक्स जो है ना हम बिल्कुल रेडी कर दें। टैग्स लेके आई थी बच्चों के कपड़ों के लिए, तो ये बच्चों के कपड़ों के लेबल पे लगा देना तो वो उतरते नहीं हैं, एक तो ये टैग्स और फिर घूमते नहीं हैं। देखें इसको यहाँ से उतार के तो हम लगा देंगे इधर ऐसे। एंड आई जस्ट रियलाइज कि इस बैच के पीछे जो है ना वो ये वाला बना हुआ है, तो ये लगेगा कैसे, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा इसको लगाने के लिए। इसी के स्टिकर को उतार के ना यहाँ पे ये उल्टा करके लगा दिया तो ये स्टिकी हो गया इस साइड से, और मैंने ये लिए और इसको भी ना मैं ऐसे ही उल्टा करके इसके अंदर लगाऊंगी तो ये और ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। ये देखें इसको ऐसे लेके जाके बस ऐसे इधर से ही ऐसे लगा देंगे और आप ये मैं ऐसे ही पकड़ के हम जाके इधर लगा दूंगी, चिपक जाएगा आप लगाओ। ये ध्यान के लिए बस मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। ये लें जी ध्यान के सारे फ्रेंच टोस्ट जिसके अंदर मैंने डाल दिए, मस्ट टू क्यूट सिट सिट एंड पुट योर सीट बेल्ट ऑन ओके। बच्चों को बस मैंने स्कूल छोड़ दी है, अब घर चलते हैं, मामा को उठाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर हमने जाना है केक लेने के लिए, केक लेके आते हैं। एंड पहले मैंने सोचा था कि बस कुछ टेक अवे करेंगे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बिरयानी भी पका लेती हूँ, तो फिर घर केक लेके आके बिरयानी पकाऊँगी एंड थोड़ी सी डेकोरेशंस करेंगे, हमज़ा का गिफ्ट पैक करेंगे एंड देन बस फिर स्कूल्स का टाइम हो जाना है। तब तक पता नहीं ये सारे काम होंगे भी कि नहीं, अभी मैंने थोड़ी सफाई भी करनी है, सफाई भी करेंगे, पता नहीं क्या क्या करना है मैंने, देखते हैं होता है कि नहीं होता। घर पहुंचते ही मैंने कहा चल बंदिए शुरू हो जा,
आज नहीं तुझे आराम मिलना बिल्कुल भी। दोनों तरह के मैंने हूवर्स निकाल लिए, मैंने कहा बस अब सफाई फटाफट करें और फटाफट से फारिग हो जाएं, क्योंकि सफाई होगी ना तो दिल को होगा सुकून, जब दिल को होगा सुकून तो बाकी सारे काम होंगे बड़े ही आराम से, तरीके से, खूबसूरती से। तो बस ये मैं कर रही हूँ हूवर, किचन में मैंने हूवर किया, अब हॉलवे में लगी हुई हूँ। ऐसे ही आहिस्ता 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 करते करते ना मैंने पूरा घर कर देना है। हॉलवे मैंने किया ही था तो मामा जान उठ के आ गई, मामा ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। तो मामा ने कहा पहले नाश्ता करो बच्चे, फिर अगला कोई काम होगा। मैंने कहा चलें नेकी और पूछ पूछ, चलें नाश्ता करते हैं, बाकी सफाई बाद में करेंगे। नाश्ता ख़त्म करने की देर थी कि हमारे लिए कोई चीज़ रेडी हो गई, और उस चीज़ को कहते हैं पांडे। पांडे हर वक्त सिंक में रेडी रहते हैं, शायद हम हर वक्त खाते पीते रहते हैं इसलिए रेडी रहते हैं। बट बस जी पांडे रेडी थे, मैंने कहा चलें जी इन्हें भी धो देते हैं, फिर किचन को भी साथ साथ साफ़ कर देते हैं, ऐसे किचन भी पूरा साफ़ हो जाएगा, बर्तन भी सारे धुले होंगे, क्योंकि मैंने मामा को कहा था कि आप जाएँ फटाफट से रेडी हों, हमने बाहर जाना है केक वगैरह लेने के लिए। तो मैंने कहा क्या मैं इसको गंदे को छोड़ के जाऊँ, सारे को साफ़ करके ही जाते हैं। किचन को भी सारे को मैंने साफ़ कर दिया, अभी हूवर मेरा बीच में ही पड़ा हुआ था जो कि अभी मैंने कमरों में करना था, पर मैंने कहा कि चलो ये पहले किचन को ऑल डन करते हैं, ऐसे हमारा किचन भी सारा साफ़ सुथरा लश्कारे मार रहा होगा और फिर जब इसमें काम करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। किचन ऑल डन करने के बाद मैं सुपर वूमन बन के आई अपने कमरे में, मैंने कहा जी कमरे को भी फटाफट से डन करें और फिर बाद में बाकी कमरों को भी सारे को कर देंगे, ताकि हम हो जाएं सफाई से बिल्कुल फारिग। जितनी देर में मामा तैयार हो रही थी ना, मैंने ऐसी सफाई की कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही। आज तो मैं एक्साइटेड थी, और एक्साइटेड क्यों ना हूँ, आज मेरा बेटा 10 साल का हो गया था, खुशी थी, माँ थी, पता नहीं क्या एक्साइटमेंट थी कि मुझे था कि बस आज तो ना मैंने दुनिया जहान का हर काम कर देना, अपने बेटे के लिए चांद तारे तोड़ के ले आने हैं मैंने। बस आज मुझे यही था कि मैंने हमजा को बहुत खुश करना है, क्योंकि मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, बड़ा मेरा ख्याल करता है, बड़ा मेरा एहसास करता है। घर की सफाइयाँ वगैरह सब हो गई हैं, अब बस मैं और मामा जा रहे हैं हमजा का केक लेने के लिए, और अगर मुझे कोई शॉप मिल गई तो मैं इन बलून्स के अंदर हीलियम डलवाऊंगी। बैठ जाए मामा, बस अब फटाफट से चलते हैं, वी आर रनिंग लिटिल बिहाइंड। अब तक तो हमें वापस भी आ जाना चाहिए था चीज़ें लेके, लेकिन चले इंशाल्लाह। पहले हम लोग आए हैं एस्टा पर, यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, और फिर यहीं पे पास है केक शॉप जहाँ से जाके हम केक लेंगे। मामा किधर गई मेरी प्लेट? नहीं नहीं आपने नहीं उठाना, बस यहाँ से हमने लिया चिकन, मामा की सेवइयाँ, चावल हमारे ख़त्म हो गए थे, चावल और लिए हैं, अम्मा छोड़ आटा उठा रही हैं, बहुत ज़्यादा है इनमें भाई। मुझे कहती है तुम लोग मुझे इतना आराम करवाते हो कि मेरे हाथ कमज़ोर हो गए, मेरे हाथों से वैसे काम नहीं होता, जोर नहीं लगता तुम लोगों की वजह से। मैंने कहा ठीक है जी, हमारी गलती है, हमारा ही कसूर है सारा। अम्मा ये अचार नहीं है, मामा का कौन सा अचार नहीं मिल रहा, कुतरा हुआ अचार, कुतरा हुआ अचार नहीं मिल रहा जी हमें। है यहाँ पे लाइम पिकल एंड मैंगो पिकल, बट जिस टाइप का मामा को चाहिए ना कुतरा हुआ अचार वो नहीं मिल रहा। इनकी शॉपिंग सारी हो गई है, मैं बैग रखते हरियरी में। अम्मा रखते चलें जी, अब अपनी चीज़ें स्कैन करते हैं। मतलब भैया कितनी सस्ती होती हैं, तो वही प्राइस है जो आप लोग के वहाँ पे, वही हमारी भी प्राइस है। मुझे तो सस्ती लगी है, 130 ऐसे हो गई ना। हाँ तो मुझे तो सस्ती लगी है। नहीं पहले पता 20-30 की आती थी। अम्मा छोड़ दे मेरी बात, उसको उसको साइड ही, बाहर से ही बाहर ही रखती हूँ। ट्रॉली रख के आती हूँ, ठीक है।
बस अब हम जा रहे हैं केक लेने के लिए, अच्छा सा कोई केक लेते हैं हमजा के लिए और फिर घर चलते हैं। और अभी मैंने घर जाके बिरयानी भी पकानी है मामा की हेल्प से। केक शॉप जो कि बहुत अच्छी है, परवेस ये खुल गई, आ जाए मामा। ओ वाओ, देखिए इन्होंने अंदर खाने पीने का भी किया हुआ है, पीना खाना पीना कर रहे हैं। ये देखिए कैसे तरह तरह के केक हैं, वीगन केक, इसमें अंडे वंडे नहीं ना होंगे। दिस इज बेस्ट ऑफ बोथ, इसमें दोनों होंगे। Hi, just give me 1 minute, okay? बताए कौन सा केक ले? सारे ही ले लो। सारे ही अच्छे लग रहे हैं, वो वीगन है वो तो वैसे ही निकल गया, ये पता नहीं क्या है, ये भी नहीं, बच्चे नहीं खाएंगे ये। ये वाइट वनीला स्ट्रॉबेरी, हमजा को नहीं शायद इतना अच्छा लगे। फ्रूट्स वाले वो, लेकिन बाकी सब तो खाते हैं ना, इसमें आधा चॉकलेट है, हाँ ये आधा चॉकलेट है। कौन सा लूँ फिर आप बताइए? ये चॉकलेट ले लूँ? मुझे नहीं सब खाते, सारे ही खा लेंगे चॉकलेट। ब्लैक फॉरेस्ट नहीं मुझे इतना अच्छा लगता, अजहर हमेशा ब्लैक फॉरेस्ट ले आता है, ये भी अच्छा शायद हो, पैरालाइन है ना, लेकिन ये देखने में नहीं इतना लग रहा, ये वाला प्यारा लग रहा है प्लेन है ना। चले मैं उनसे पूछती हूँ, ही साइज लूँ कि छोटा लूँ? इससे छोटा लूँ। ये देखें ये वाला केक हमें अच्छा लग रहा है, ये लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव स्मॉल वन इन दिस? कैन आई हैव दैट प्लीज? ये देखें माँ, इस तरह से ना ये रकूड़े केक भी बनाते हैं। हमने एक दफ़ा ना सामिया की बर्थडे का केक इनसे बनवाया था, कोस्टा केक, वो मुझे बहुत ही छोटा लग रहा था तो मैं यही साइज लेने लगी हूँ, मुझे ये साइज ठीक लग रहा है, वो बहुत छोटा लग रहा है। ये देखें ये साइज लेने लगी हूँ मैं, फुल चॉकलेट हमने केक पसंद किया। और बस फिर ये देखें क्या महारत से केक के ऊपर राइटिंग कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फटाफट इन्होंने लिख दिया हमजा का नाम, और इतना प्यारा लिखा कि दिल खुश हो गया। हर टाइप की इन्होंने पेस्ट्री रखी हुई थी, देख के बस मुंह में पानी आ रहा था, दिल चाह रहा था कि हर तरह की एक एक पेस्ट्री उठाओ और ले लो, लेकिन ऑब्वियसली हम तो केक लेने आए थे तो मैंने कहा पेस्ट्रीज़ को अभी साइड पर ही रखते हैं। बकलावे भी इन्होंने रखे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त बेकरी है ये। केक हमने ले लिए, ये भी दुकान है, पूछो इससे भी अगर ये लोग करते हैं। अब हम लोग कोई शॉप ढूंढ रहे हैं जो मुझे बलून्स के अंदर हेलियम कर दे। ऑल शॉपिंग इज़ डन नाउ, अब हम घर जाने लगे हैं, घर जाते हैं फिर मैंने बिरयानी पकानी है एंड सफाई वगैरह शुक्र है सारी हो गई हुई है, डेकोरेशंस करनी है, हमजा का गिफ्ट पैक करना है, और हेलियम तो कहीं से भरी ही नहीं है। जो मेरे घर के पास एक शॉप थी वो कहते हैं उनकी हेलियम ख़त्म हो गई हुई है, उनके पास है ही नहीं है, तो पता नहीं क्या करते हैं। मैं फ़ोन करके एक दो जगहों पे देखती हूँ, अदरवाइज फिर मैं रहने दूंगी। बेबी जान को बड़ी जल्दियाँ होती हैं सामान उठाने की, मुझे तो इतना हुआ, मुझे कहती हैं कि मेरे हाथ काम करना छोड़ गए आराम कर कर के। तो ऐसे होता है जो सारी उम्र 5 साल से लेकर काम कर रहा है, तो आप 5 साल की थी, आप तब से काम कर रहे हैं। अजहर दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी बेगम। मैं तुम लोगों को कहती होती थी बच्चों दादा खोलो मामा आई है। मैं अब अजहर को कह रही हूँ अजहर दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी बेगम। अजहर सो गया है, नहीं बाथरूम में ना, सामान लेकर आऊ। चलो मुझे लगता है यहाँ पे अजहर क्या कहा आपने, तो फिर हम चाबी लेके जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये देखें जी हमजा का कार्ड आ गया नेबर से, और अभी मैं जिक्र नहीं, और अब मामा कह रही थी आज दफा लगता है हमजा की बर्थडे भूल गए, कार्ड आ गया। उन्हें उर्दू नहीं समझ में आती है भाई, मेरा कार्डिगन कितना अच्छा लग रहा है जी। आटा और चावल ये मैंने डब्बों में डाल दिए, ये देखें ये हैं ये डब्बे, मुझसे कोई पूछ रहा था इनके बारे में, लोग ऐसे हैं ये ऐसे खुलते हैं, और साथ में छोटा सा इन्होंने ये दिया हुआ है। एक डब्बे में ना कहा तो ये कहते तो ये यही है कि 10 किलो आटा और 10 किलो चावल आते हैं, चावल तो आ जाते हैं 10 किलो, बट आटा मुझे लगता है 7-8 किलो आता है एक डब्बे में, तो इन्हें मैं ऐसे इतने कॉम्पैक्ट हैं ये देखें ऐसे मैंने इधर रखे हुए हैं, यूँ निकाल लो ऐसे खोलो और बीच में से चीज़ निकाल लो, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
तो ये 3 लिए हैं गार्लिक और 2 अदरक लिए हैं हमने। 2 बेबी चिकन हमने बनाने हैं, 2 बेबी चिकन की बिरयानी बनानी है। इसके अंदर मामा कितने चम्मच नमक के डालूं? 2 चम्मच नमक और लाल मिर्च, ज्यादा मिर्च तो नहीं होंगी ना, बड़ो नहीं खानी है ना। हाँ जी, और डालो ये तो कम रहनी। हाँ ठीक है, और जीरा थोड़ा सा डाल दो। जीरा मुझे अच्छा लगता है, 2 डाल देते हैं। चलो वो भी डालो, थोड़ा सा और डाल दो। हल्दी डालो, हल्दी कितनी? मैं थोड़ी सी डालती होती बस। और गरम मसाला, सूखा धनिया कुछ नहीं, थोड़ी सी और डालो। हल्दी और डालो, ये ले। और ये गरम मसाला, सूखा धनिया वगैरह कुछ भी नहीं बस। यहाँ पर ये प्याज नहीं है जो कि ऑयल में अब मैंने हल्के से होने के लिए रख दी है। ये प्याज हो रहे हैं, मसालों को इधर रख देते हैं और टमाटर काटती हूँ। देख लें मामा के ऑयल काफ़ी है, ये देख लें बस, मुझे ये बता दें। मसाले देखें मैंने सारे मामा से पूछ के डाल लिए हैं और मामा कह रही हैं 5 टमाटर जाएंगे और 1/2 किलो दही जाएगा जो कि 500 ग्राम्स बनेगा। जोहर की नमाज अजान भी हो गई है। हाँ बस ऑयल देख के बता दें कि ऑयल ठीक है कि नहीं। ये देखें ये प्याज अब हो गए हैं ब्राउन। ये जो मैंने सारा मसाला बनाया था ये इसमें डालूंगी अब मैं, इसको जरा हिलाएंगे। पानी तो नहीं डालना मामा? नहीं नहीं, इसमें अपना ही इतना पानी छोड़ देना टमाटर के लिए। टमाटर नहीं अभी डाले हैं? नहीं नहीं, जो साथ साथ डालते हैं ना पहले ये तो करो। साथ में अब मैं ये डालने लगी हूँ चिकन। अम्मा ये इसमें हल्का सा पानी डाल देंगी, थोड़ा सा बीच में ही प्लेट में लगा रह गया। जरा सा है लाएंगे अच्छी तरह से। अब भूनेंगे मामा के कलर बस चेंज होने तक, इसको होने दो ना। हाँ फुल आंची है, इसका थोड़ा सा निकल जाए। ओके हाँ जी, हमने टमाटर भी डाल दिए हैं, दही बाद में डालेंगे। बस अब ये जरा कलर शलर चेंज कर ले, अच्छी तरह से भूनेंगे फिर इसे। अब इसको मैं ढक्कन दे देना, हल्की आंच कर दो। हाँ थोड़ी सी कर दो, नमाज पढ़ लो। अच्छा अच्छा, मैं नमाज पढ़ लूँ। अब इसने इतना पानी छोड़ दिया, हमने फुल लॉन्च कर दी है इसको, कोई 10 मिनट दम पे रखा है। अम्मा देना जरा डोई को, इसको खिलाते हैं। मामा कहती हैं दही वगैरह डाल दो जो भी करना है ताकि कहीं गोश्त घुल ही ना जाए। अम्मा टमाटर तो अभी अकड़े पड़े हैं, सब कुछ हो जाएगा। मैं वैसे जब यहाँ के टमाटर ना थोड़े ढीट हैं, पाकिस्तान के तो फटाफट हो जाते हैं ना, ये बड़े ढीट हैं, मैं इतने छोटे छोटे करके डालती होती हूँ। हो जाएंगे इसमें नहीं पहनते अभी तो, वो बिरयानी मसाला भी एंड में डालना है, याद रखना। अच्छा। ना तुम टिक्का मसाला भी नहीं यूज़ कर रहे हो? नहीं अब करूँगी मामा, वो भी करूँगी फिर खराब रखा तो तेज़ कर दो, इस पर ढक्कन नहीं देना। ये लें जी, इसमें सारा दही चला गया। ये लें दही डल गया, अब बस इसको हला दूंगी और बस इसे फुल आंच पे अच्छी तरह बस अब पकाना है, भूनना है, सब कुछ करना है। वैसे मामा ये बड़ी इजी सी रेसिपी है, बिरयानी की। बस इमली हो, आलू बुखारा हो, जब भून जाता है ना इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इमली भी काला कर देती है ना को। ये देखें क्या जबरदस्त बिरयानी मसाला रेडी हुआ है। सारा पानी पहले फुल तेज आंच पे खुश्क किया, फिर उसके बाद इसकी बुनाई की है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर एक पूरा लीमू मैंने छोड़ूंगी, यहाँ पे यूँ बड़े बड़े लीमू होते हैं, मैंने अपनी तरफ से तो बीज निकाले थे फिर भी अंदर गए हैं। लीमू मैंने निचोड़ दिया इसके अंदर। अब ये जो है ये 2 चम्मच ना, 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला है और ये हरी मिर्चें और लाल मिर्चें जो भी हैं ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये जो बिरयानी मसाला है ना कोई ब्रांडेड नहीं है, जो खुला बिरयानी मसाला होता है वो है पाकिस्तानी।
बिरयानी मसाला ये मेरी मामा की टिप है, एंड पे इसलिए डालना है क्योंकि अगर पहले ही मसालों में डाल दो तो ये जो मसाला सारा होता है ना, ये सालन सारा, ये काला हो जाता है, ये मेरी मामा कहती हैं। इसी टाइम पे आप लोग की मामा मुझे पीछे से बताई जा रही हैं, इसी टाइम पे इसमें आलू बुखारा और इमली भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास है नहीं तो मैंने नहीं डाली है। ये देखें ये लीमू मैंने पूरा निचोड़ दिया हुआ है, बस अब इसको हल्का सा भूनेंगे लाइक 4-5 मिनट, बस मसाला भी रेडी है, बिरयानी का मसाला सारा रेडी हो गया है। अब बस मैं थोड़ी सी डेकोरेशंस करने लगी हूँ। ये हमजा के कार्ड्स हैं, ये भी मैं इधर साइड पे टेबल पे रख देती हूँ, और ये मैंने हमारी ख़ानदानी डेकोरेशंस निकाल ली हैं जो इनके बचपन से चल रही हैं, हर बर्थडे पे, हर बच्चे की बर्थडे पार्टी पे यही लगती हैं। ये मुझे लगता है मैंने यही विरासत में छोड़ के जानी है अपने पोते पोतियों के लिए, उनके लिए भी ये बच्चे यही इस्तेमाल किया करेंगे, पहले मैं इस्तेमाल करूंगी उनके लिए, फिर ये भी यही इस्तेमाल करेंगे, यही विरासत तो मिलनी है मेरे तीनों बच्चों को। ये डेकोरेशंस, इतनी हंसी निकली कि मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन खैर यही डेकोरेशंस जो उनसी है ना मेरे बच्चों को विरासत में मिलनी है। मैं पहले इस्तेमाल करूंगी अपने पोते पोतियों के लिए, फिर ये इस्तेमाल करेंगे अपने बच्चों के लिए, फिर ये इस्तेमाल करेंगे अपने बच्चों के बच्चों के लिए। तो देख लें जी ये विरासत है, खोलती हूँ और देखती हूँ किन किन चीज़ों को मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये भी एक लगा देते हैं, ये जब भी मेरे बच्चों की बर्थडेज होती हैं ना तो मैं एक रात पहले उनकी बर्थडे से, ताकि सुबह उठेंगे तो कमरा उन्हें सजा हुआ मिलेगा, ये लगा देती थी। इस दफ़ा मैंने कहा हमजा को ज़रा सरप्राइज देने के चक्कर में ये भी लगा देते हैं, अब करने लगी हूँ, घर आएगा तो परेशान ही हो जाएगा, पता नहीं होता भी है कि नहीं, या ठंडा सा ही रिएक्शन देता है। यूं करके ना वो जो मैंने आपको पकड़ाया है ना ब्लू टैग, ये वाला, ये वो, हाँ जी हाँ, उसको क्या करना है, जहाँ भी लगाना होगा ना इसको, नहीं नहीं अम्मा ही देखे जैसे मैंने किया है, पहले तुम लगाओ मुझे क्या होता है, वो मैं देखूंगी तो लगाऊंगी ना ऐसे, ये मिडल ही है ना, ये ना इसको इसके साथ, हाँ बस ऊपर जैसे बबल गम नहीं लगाते हैं, हाँ वैसे लगा देना, हाँ बस ये जो ब्लू टैग होता है ना ये साया हो जाता है। अच्छा ये साया, ये फिर वैसे चिपकता नहीं, ये अच्छी चीज है, देखो बाद में फिर रख लो, है ना। हाँ तो यही तो मैं कह रही हूँ, मैंने इन्हें लगता है ये बचपन से इनके इस्तेमाल हो रही है, हम जाने वाले अपनी अजर ले आए बच्चों पे जाकर। ये देखें सारी मैंने ऐसे लगा दी है, और जो मैं सोच रही थी बाहर लगाती हूँ वो इधर, मामा कहती है लगा दो, मैंने कहा चलो ठीक है इधर लगा देते हैं। और ये मैंने बलून्स और पंप निकाले हैं, ये अभी ईसा ज़ियान आ जाएंगे ना, हमजा ने थोड़ा लेट आना है क्योंकि उसकी फुटबॉल है, तो वो आके फुलाएंगे यहाँ से। ये वाले निकाल लेती हूँ, ये देखें मैंने कितने सस्ते लिए हुए हैं, अल्लाह नज़र ही नहीं आ रहा, 40 पी के हैं, ले आ जाए मामा उसका गिफ्ट पैक करते हैं, है आ जाए ना, है आ जाओ, ये डिलीट करनी है तो कैसे करते हैं, ये हो नहीं रही है। अच्छा जी मैं आपको, गिफ्ट पेपर्स मैंने निकाल लिए हैं, ये साथ में डेकोरेशंस निकाली हैं, बस अब उसका गिफ्ट फटाफट पैक कर। हमजा के लिए हमने ऑर्डर किया था ये वाला फ़ोन, क्योंकि अब वो कहता है कि उसने स्कूल वॉक किया करना है कभी कभी, तो अगर उसने स्कूल वॉक करना है तो उसे फ़ोन की ज़रूरत है, क्योंकि हम उसे ट्रैक कर सकेंगे इसके ज़रिए। ईसा को भी हम ऐसे ही ट्रैक करते थे, तो उसको नहीं पता कि उसको ये फ़ोन मिल रहा है, क्योंकि मैंने उसको कहा था मैंने तुम्हें 8th क्लास तक फ़ोन नहीं लेके देना है, क्योंकि तुम्हें फ़ोन देने का मतलब ये है कि आई विल लूज़ यू, तुम मेरे पास नहीं बैठा करोगे, तुम बस फ़ोन पर ही लगे रहा करोगे, तो मुझसे वादा करा था नहीं मैं ऐसे नहीं किया करूँगा, मैं बस स्कूल के टाइम पर बस लेके जाया करूँगा, वो वापस आते हुए यूज़ किया करूँगा, क्योंकि स्कूल जब लेके जाते हैं तो वहाँ पर टीचर्स ले लेती हैं, तो मैंने कहा चलो लेना तो ले के तो देना ही है इसको, तो अब ले ही देते हैं, लेकिन ये इसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होना है। अम्मा ये बो वगैरह गिफ्ट को पैक करके उसके ऊपर चढ़ाने के लिए वो सारी चीज़ें हैं, मैंने सबसे पहले इसको पैक करना है, ये देखें पैक कर दिया, इसके ऊपर मैंने ये चढ़ा दिया, अब इसको मैं ऐसे करूँगी, इसको मैंने इस पैक के अंदर डाला है, इसको इसके अंदर डालेंगे, अब इस डब्बे को बंद करेंगे और इसको फिर से रैप करेंगे,
यहाँ से अब ना ये इधर से कटेगा कहीं से। अब ये बड़े वाले में भी पैक हो गया, अब इसको डालेंगे एक जूते के डब्बे में। ये जूते का डब्बा है, ये मेरा फेवरेट जूता था जो जब मेरी गाड़ी चोरी हुई है तो गाड़ी के अंदर था बेचारा, जूता भी गया मेरा साथ में। जूता भी साथ गया? हाँ, एक मिला एक जब गाड़ी मिली ना। हाँ। तो गाड़ी के अंदर एक जूता था, एक था ही नहीं। हाँ है। इतना मुझे पसंद था जूता, नहीं, तो एक जूता भी छोड़ा, पता नहीं क्या किया, क्या करते रहे। अम्मा भी ये वाला यूज कर ले, के ऊपर ये वाला चढ़ा देते हैं। ये अब उसको हमने इस डब्बे में डाल दिया हुआ है और इसको अब हम रैप करेंगे। ये बॉक्स पैक हो गया और इसके ऊपर ये मिडल ही है ना मामा, ये करके ये लेंगे हमजा का गिफ्ट पैक, इसको रख देते हैं आप टीवी रूम में। नहीं नहीं, टीवी रूम में रख रहे हो, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये उसके कार्ड्स हैं, इसको इधर रख देते हैं। ये तो अंदर लेके जाती हूँ, यही अभी ज़ियान और ईसा के फुलाएंगे। देखें ये बदतमीज अभी से गिर गया, नॉटी बॉय। मैं बस ईसा और ज़ियान को स्कूल से लेने जाने लगी हूँ, फिर घंटे बाद जाऊँगी हमज़ा को स्कूल से लेके आने के लिए, उसके बाद देखते हैं दिन कैसा जाता है। मैंने तो सोचा था उसे स्कूल से ले कर मैं सीधा जाऊँगी किसी टॉय शॉप पर, बट फिर अब हिम्मत नहीं होगी तो देखती हूँ क्या करते हैं। ईसा और ज़ियान को स्कूल से पिक करने के बाद मैं आई कार्ड फैक्ट्री पे। मैंने कहा चलो हमज़ा के लिए कोई अच्छा सा कार्ड लेते हैं, बड़ा होगा देखा करेगा पढ़ा करेगा कि मामा ने मेरी 10th बर्थडे पे कार्ड दिया था। ज़ियान को अपना इंटरेस्ट ज़्यादा था, कह रहा था कि कार्ड ले लो बैच मैं रख लूँगा और कार्ड हम हमज़ा को दे देंगे, क्योंकि माइनक्राफ्ट वाला कार्ड था। यहाँ पर मुझे एक कार्ड नज़र आया जो कि बड़ा ही कलरफुल सा था, बिल्कुल हमज़ा की पर्सनैलिटी के टाइप का, 10 हैव अ टोटली टेरिफिक बर्थडे। बड़ा मुझे अच्छा लगा, इसको देखते देखते चूज़ करते करते मैंने वापस रख दिया क्योंकि मुझे एक और कार्ड नज़र आ गया जो कि बहुत प्यारा था। और मज़े की बात यह है कि कार्ड तो मैंने ख़रीद लिया, जाके गाड़ी में भी रख दिया, लेकिन मैं इस कार्ड को लिखना भी भूल गई और हमज़ा को देना भी भूल गई। ये कार्ड बेचारा गाड़ी में ही पड़ा का पड़ा रह गया। बट चले, अच्छी चीज़ ये हुई कि इनके पास थोड़ी सी हेलियम थी तो इन्होंने एक बलून के अंदर हमें भर दी और हम बड़े खुश हुए कि चलें जी हमें हेलियम मिल गई, एक गुब्बारा भी हो जाएगा हमज़ा की पार्टी पर, ज़रा जो ऊपर हवा में लहराता रहेगा। बस फिर हमने बलून इनसे पकड़ा और बस अपनी गाड़ी की तरफ दौड़े लगाई। ज़ियान को मैंने घर छोड़ना था पहले, फिर मैंने जाना था हमज़ा को स्कूल से लेने के लिए। बस ये देखें ज़ियान कितना खुश हो रहा है, जैसे कि इसकी बर्थडे हो, इसको घर छोड़ा और मैं आई स्कूल हमज़ा को लेने के लिए। हैंडसम हैंडसम बॉय, व्हाई सॉरी, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो मामा के, है ना। क्या खाना है मेरे बेटे ने? बिरयानी, ठीक है, चिकन राइस, चिकन रोस्ट खाना है। ओके जी, यू नीड चिकन, ओके, आई विल थिंक अबाउट इट, ओके ओके। बस डिनर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ना। एंड स्मिथ्स, स्मिथ्स भी जाना है, वो मैं सोचूंगी, चलो बैठो। बस मैं अभी अभी हमज़ा को घर लेके आई हूँ, देखें अभी गाड़ी में बैठा हुआ है। मैंने कहा तुमने अभी नहीं निकलना गाड़ी से बाहर, क्योंकि मेरे अभी अभी दिमाग में आया कि मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को कि आज का मेरा प्लान क्या है। सो बेसिकली आज का मेरा प्लान ये है कि आज हमज़ा के कज़न्स ने आना है एंड उसको नहीं पता कि उन्होंने आना है, उन्होंने रात में आना है, वो बहुत खुश होगा वो जब आएंगे। इसको नहीं पता कि इसका केक लिया हुआ है, इसको नहीं पता कि इसके प्रेजेंट्स हैं, तो इसीलिए मैं अभी उसे कहती हूँ अच्छा तुमने स्मिथ्स पे जाना है, स्मिथ्स ना टॉयज़ की शॉप है, तो कहता हाँ मैंने उधर जाना है। तो अब अभी अंदर जाएगा ना तो बड़ा खुश होगा जब अपना प्रेजेंट देखेगा और खोलेगा। आ जाओ हमज़ा, चलो शूज उतारो, पानी तो पीता। रोनाल्डो रोनाल्डो टेक योर शूज ऑफ। वालेकुम सलाम, हैप्पी बर्थडे टू यू हमजा। साले बबिया आज तो गीले हो गए आप। हैप्पी नॉट बर्थडे, हां हैप्पी नॉट बर्थडे, वी डोंट सेलिब्रेट बर्थडेज। कम ऑन हमजा,
What? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hamza. Happy birthday to you. Hey, Pip. Hooray. Oh, yeah. शर्म आ रही है हमजा को तो। ये लो पहले अपने कार्ड्स खोल लो। खोलो। नो तुम ना इतने बनो ज़ियान। नो वेट। हैप्पी बर्थडे फटीनाट। रीड इट लाउड। टू हमज़ा विशिंग यू अ वेरी हैप्पी Happy birthday. Best wishes to you and Tony. चलो जी नेबर्स की तरफ से तो पैसे आ गए हैं हमजा को कार्ड आ गए ये कहां से आया मोइस तो टोनी ट्रीना ने दिया ना दोनों नहीं ये इसकी फुटबॉल टीम वालों ने भेजे Happy birthday. What's this? I don't know. Have a some be every day. Single No, it's not a real signature. इसके कार्ड में आता है I'm going to open this. You can open this, Sonu. Come on. Oh, boy. Oh, boy. Hello. Oh, look. You like the quavers a lot. I said that you will come to lunch. You got 30 packs. Each pack is 34 grams. Okay? Janu is helping. Janu, sit down. Mom, sit down. I have a pack. There's something else here. Is this where the papers are? Oh, yeah. Give me the one. Oh, my God. What's that? Oh, nice. Yeah. I got really nice shoes for you, okay? Oh. Happy? First tell me, happy? Yeah. You like Nike shoes, isn't it? Yeah. Dekho. Huh? There's so much stuff in it. These are not shoes. Wait, those ones? What? Mama's. Oh. What? There's so many boxes. Nah. It's a book inside of a book inside of a book. Hamza se zyada to uske bhaiyon ko jaldi hai. So many stuff. Amma, batana na maine iske liye. Wo isko jewelry pasand hai na, to maine iske liye ring khareedi hui hai. Ye chhod do. Ye lo. Ring hai iske liye maine li. Yeah, it's a huge box with a necklace and ring. Happy? Yeah. You like necklace and rings, yeah. Isn't it? Is that bad dog? Yeah. Oh, it's think the box. I know what it is. That's the box. Oh. It's a Google Pixel 8. अभी तो तुमने पूरा खोला भी नहीं है बेटे। What it is? Are you happy? Yes. Is it actually a real phone? Yeah. Is there something in it? What's in it? There's a ring in it. Yeah. We just bought a box from eBay. No, it isn't. Fake, it's a fake phone. Show me. Hi. Oh. It doesn't work. Hamza, look at me. Are you crying? Zan. No, he's crying. Bring my key. Hamza. Yeah. Are you happy? Yes. How much? Dad? I don't need to get socks anymore. Tell me how happy you are. Super happy. Super happy? Yeah. Now no need of toys? Except for board game. So I officially lost my son now. I said except for board game. Why would I get a board game? I said I officially lost my son now. No, you didn't. Because I'm still here.
No, but now you will be on your phone all the time. No, I won't. No? So I will keep your phone, okay? No! Then what's the point of getting it? Blow it! Blow it! Then let me. मुझे पता था हमजा, मैंने इन दोनों को कहा है आज टीसा एंड हमजा बोथ के बलून्स फुलाना, दोनों ने नहीं फुलाए. Can I play the Xbox? Xbox, why? Because it's his birthday. And I know he got balloons. Okay. Yay! Hamza, do you want to play Fortnite together? Hamza, मैंने तुम्हें कहा था पहले शावर लो और कपड़े चेंज करो. Hamza. हमजा के गिफ्ट से डन होने के बाद मैंने कहा चलें जी अब बिरयानी को भी अपने कंप्लीट किया जाए. यहाँ पे मैंने फटाफट से चावल उबाले और बस उसके ऊपर चिकन को गरम किया और उसकी लेयरिंग करनी स्टार्ट कर दी. ये चावल डले थे, फिर चिकन डला था, फिर चावल डले थे, फिर चिकन डला था, और ये जी इसके ऊपर हमने थोड़ा सा जरदा रंग भी डाल दिया छुरी की नोक से, जो कि मेरी मामा कहती हैं मैं तो ऐसे ही छिड़क देती होती हूँ. ये बस डल रहा है, साथ में थोड़े से टमाटर डाले इसके ऊपर कटे हुए, मिर्चें डाली, और बस फिर बिरयानी को लग गया दम. इज आउटसाइड, हु इज आउटसाइड, इज दैट हिम द पोपो, इज दैट सो मच, फर्स्ट हैव अ लुक, वेट, ये इज कॉलेज, इज कॉलेज हियर, प्लीज 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 इज कॉलेज हियर, प्लीज सर माय कॉलेज, हां हैप्पी, ये सुपर It's me. Who is here, Hamza? What you got? Hamza. It's on or ye. Wow, money, money, money. Four. Chalo ja. Enjoy karo. Shh. Keep quiet. सिम की खाला भी आ गई हुई थी और बच्चों की फुप्पो भी आ गई हुई थी, सब बैठे आपस में बातें कर रहे थे. मैंने कहा फटाफट से टेबल लगा दिया जाए, बिरयानी रेडी हो गई हुई थी, बाहर से बर्गर्स वगैरह मंगवाए हुए थे वो भी आ गए हुए थे, बस सब फटाफट से टेबल लग रहा था. जी अब बस बिरयानी को प्लेट में निकालते हैं, मामा निकाल रही हैं. हाँ जी तो और ये सबके लिए मैंने मंगवाए हैं बर्गर्स, ये देखें बच्चों के साथ में चिप्स वगैरह, आज बर्गर डे है बच्चे, आज सब कुछ जो हमजा को पसंद है वो हो रहा है. चलो अपना लो चिप्स निकालो अपने, ये लो चिप्स और बर्गर. तुम्हारा कौन सा था? डबल चीज बर्गर. डबल चीज बर्गर, पता नहीं अब डबल चीज कौन खाए, बर्गरों का ही रोना पड़ गया. कौन सा? आई डिडंट गेट डबल चीज बर्गर, मेबी योर चीज बर्गर, मेबी योर चीज बर्गर, स्टे माय मामा एंड माय डैड वर बोथ गॉट चिकन बर्गर्स एज़ वेल, बट दे आर डिफरेंट, एंड वन ऑफ देम हैज केचप इन इट, एंड दिस वन इज प्लेन आल्सो. दिस माइन मामा, ये मरियम का है मामा, बोथ ऑफ दीस हैव केचप इन इट. बर्गर्स का ही हमें पता लग रहे कौन से किसके हैं. ये मरियम का डन हो गया, ठीक है मरियम का इधर रखते हैं. अपा तुमने और मामा ने कौन से ऑर्डर किए थे? बैठने दे लो, चलो मुझे नहीं पता कौन सा डबल चीज है. दिस इज डबल चीज बर्गर, डबल चीज बर्गर. फिर ये कौन सा है? You got the same one as me, didn't you? The classic smash burger. Yeah. Yeah, that's the classic smash burger. ये भी चिकन बर्गर है. Yeah, mama, this is the classic smash burger. This one's mine. ये डबल चीज होगा हमजा. हमजा, it doesn't matter if it's got any sauces, just have it. चलो चलो शाबाश माँ, जाओ जाओ गरम गरम खाओ. भूख लग रही है, मैं बुला लो. मामा, can I have chips? अभी ना बुला लो तो ठंडे हो जाएंगे. Thank you.
चलें जी अब बस केक निकालती हूँ और केक सर्व करती हूँ। खाना हम सब ने खा लिया, अब केक की और चाय की बारी है। Anything okay? You like the candles? Look, it's 1 and 0. Where's the candle? It's 10. 1 and 2. Where's the candle? Where's the candle? These are the candles. These are the sparkly candles. तुम और तो बिना माँ। तुम नहीं। ये बिल्ड करती है। हाँ, सुनिए हाला। हाँ, मैंने उनके एक उन्हीं के अच्छे होते हैं यहाँ पे ना। हाँ। मैंने मामा को दिखाई, सिंपल उन्होंने फिर से चाय वगैरह सर्व करनी शुरू कर दी है। पहले बंद कर दी थी ना। Go say thank you. Come on, say thank you. तोड़ दो इसको, तोड़ दो। मामा अभी आ जाए। ये बस जब तक जीरो चलना है ना, वन बंद हो जाना है जितना टाइम वो है। नहीं दूसरी अली ना वो नहीं है मेरी माम, मेरी मामा ना हमेशा मेरे साथ ऐसे करती थी, हर बर्थडे पे मेरे साथ ऐसे करती थी। सच में मामा हर बर्थडे पे मेरे मुंह में यही लगा रही थी ऐसे। हमजा आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका केक भी कटेगा, सारा मरियम भाई सब आएंगे। कहते मैंने फ्रिज में चेक कर लिया था। तो और क्या फ्रिज में ना रोटी तो बेड के नीचे छुपा देते हैं। The camera's pretty good. Yeah, camera's very good. You know what, man? Alafis. We need to search for it. They don't choose. We choose. Yeah. Okay. Again going. It's not being like a week. Oh, it's not going. आजंगी तुम्हारी शादी होगी ना? नहीं दस साल फिर आजंगी। वो नई मंगल आएंगे ना, मैं साथ ही आऊंगी। नहीं सिमकी खाला, अब तो नानो के साथ करते हैं। आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी, अमेजिंग, वंडरफुल, बहुत अच्छा दिन गुजरा। सब चले गए और अब बस मैं एंड के काम कर रही थी, किचन से मेट रही थी, सारी चीज़ों को डब्बों में डाल डाल के रख रही थी। देखें कितना अच्छा ट्रिक है, मैंने टिकटॉक वगैरह पे कहीं पे देखा हुआ है कि आप डब्बे का ढक्कन लें, उसके अंदर यूँ केक डालें और ऐसे उसको जो लेफ़्ट ओवर केक को पैक करके
आराम से अपने फ्रिज में रखते हैं। जो बिरयानी बची हुई थी उसको भी मैंने डब्बे में डाला, केक को भी डब्बों में डाला, जितनी भी चीज़ें थी सारी पैक करके पूरे फ्रिज में आराम से सेट करके रखती। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। मैंने छोटी सी एफर्ट की थी हमज़ा के लिए, मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करते हैं क्योंकि हमेशा हम इनकी बर्थडे इस वीकेंड पे ही करते हैं और इन्हें पता होता है कि हमारी बर्थडे होनी है। आज हमज़ा को कुछ भी नहीं पता था, ना उसे उसके फ़ोन का पता था, ना उसे पता था कि उसके कज़न्स ने आना है, ना उसको केक का पता था। खैर केक का तो उसे एंड टाइम पे थोड़ी देर पहले पता लग गया क्योंकि उसने फ्रिज खोल के चेक कर लिया था। बच्चे भी बड़े चलाक होते हैं। फूफो वगैरह आ नहीं सके क्योंकि उन्हें किसी फ्यूनरल पे जाना पड़ गया और उसके बाद वो कह रही थी कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई है तो हम बहुत थक गए हैं तो वो इसलिए आ नहीं सके। लेकिन क्या उनके कज़न्स वगैरह थे, नानो थी, सब थे तो उनके साथ बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया, खेले और गिफ्ट दे के तो हमज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, मोबाइल ले के बड़ा ही खुश हुआ है। एंड अब बस ये है कि इसको मैंने कहती है कि उसकी जो सिम है ना वो अभी नहीं मैं इसे दूँगी, थोड़े अरसे बाद दूंगी जब वो स्कूल एक्चुअली में वॉक करना स्टार्ट कर देगा। तो और मोबाइल पे अब मैंने इसके टाइम लिमिट लगा दी है कि हर रोज़ इसे बस आधा घंटा एक घंटा अलाउ मैंने किया करना है, सिर्फ उतना टाइम ये यूज़ कर सकता है। और अब वैसे भी गूगल लिंक काफ़ी ऐप्स होती हैं जिससे आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सी ऐप इंस्टॉल कर सकता है, कौन सी ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकता है। तो आई नो इसमें कुछ गलत नहीं है, आजकल का दौर ही ऐसा चल रहा है, आपको बच्चे को लेके देना पड़ता है। स्पेशली अगर आपके बच्चे ने बाहर अकेले जाना है, वॉक करना है स्कूल जाने के लिए, स्कूल से वॉक करके वापस आना है, तो ही नीड टू हैव अ फ़ोन ताकि आप अपने बच्चे को ट्रैक कर सके। हमने जब ईसा को भी फ़ोन दिया था तो हम उसे ट्रैक करते होते थे तो हमें पता होता था कि वो कहाँ कहाँ चल रहा है, कब स्कूल पहुँच रहा है, कब स्कूल से निकल रहा है। तो इट्स वेरी 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 हेल्पफुल। तो बस इसीलिए इसे फ़ोन दिया था और वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। पैसे शैसे भी उसे मिले हैं, कल उसने प्लान किया हुआ है कि उसने जाना है टॉय स्टोर पे। पहले तो कह रहा था अब टॉय स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब कह रहा है कि जाना है, तो मैंने कहा अच्छा चलें कल देखेंगे, शायद ले जाएं। मामा चले गई हैं दोबारा से खाला की तरफ, तो अब हम मामा को मिस करेंगे। बस और कुछ भी नहीं, अब बस मैं थक गई हुई हूँ बहुत ज़्यादा। सुबह से आज मैं बाहर अंदर ही हो रही थी, काम ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। डेकोरेशंस की, गिफ्ट पैक किया, कितनी बार तो मैं बाहर गई हूँ, सारा टाइम तो मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई हैं। सो आई होप यू लाइक माय टुडेज़ ब्लॉग। इतना सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मुझे मेरे बच्चों को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और माशाल्लाह कहिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।